नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे हथेली पर चोर की तस्वीर बन जाएगी। सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ होगा कि यार ये बाबा तो कुछ भी दिखा रहा है, क्या वाकई में इस तरह से होता है? तो कुछ ऐसे अमलियात, पुराने जमाने के पुराने अमलियात ऐसे आज भी मौजूद है जिनको करने से वाकई में चोर की तस्वीर, चोर के ख्याल, चोर का तस्वीर हथेली पर नजर आता है। तो मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई ऐसे दावे करता हूँ कि जिससे वाकई में आपको चोर की तस्वीर प्रिंट होकर के या कंप्यूटर के साथ प्रिंट आउट होकर आपके हाथ में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई जायज़ पैसा है, वाकई में आपकी मेहनत का पैसा है, सोना चांदी है, या आपके घर से कुछ चीज़ चोरी हो गई है, तो उसको देखने के लिए यानी घर का जिसका मतलब जिसके घर में चोरी हो गई उसी के घर के एक 12 साल से उम्र से लेकर 18 साल के बीच के बच्चे के हाथ को नहला धुला कर साफ सुथरा करके उसके ऊपर ये अमल को उसके हाथों पर किया जा सकता है। चिराग की स्याही से और तवे के नीचे जो कालक होती है ना, कालिक, उससे इसको अमल को किया जा सकता है। तो इससे कुछ हद तक वो तसव्वुर हो जाएगा कि वो शक्ल दिखाई देगी कि वो चोर कौन था। अब वो चोर कौन था एक तसव्वुर होगा, लेकिन माल मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। तो ये अमलियात ऐसा है कि आपके ख्यालात में और आपके हाथों में वो शख्स की तस्वीर नजर आना शुरू हो जाएगी। वो सिर्फ उस बच्चे के हाथ में जो लड़का होगा लड़की होगी जिस पर आपने चिराग की शही लगाई है या फिर आपने वो तवे की कालिक लगाई है उसके ऊपर ही वो केवल उसी को दिखाई देंगे और वो बताएगा कि इसमें उसको किसकी तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंफर्म चोर होगा। उसके लिए ये सिर्फ एक अमलियात है, एक टोटका है। इससे हम सिर्फ केवल ख्यालात और तसव्वुर कर सकते हैं कि वाकई में कोई घर का इंसान था या बाहर का इंसान था या वो शक्ल हमने देखी है या नहीं देखी। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा अगर आपका पैसा हराम का होगा, ब्याज का होगा, चोरी का होगा, दूसरों को धोखा देकर लिया होगा, लूट के लाया होगा पैसा, या वो पैसा आपका मेहनत का नहीं होगा तो वो भूल जाओ नहीं मिलेगा। तो मेहनत का अगर आपका 10 रुपया भी होगा तो वो भी आपको जरूर मिलेगा। तो उसके लिए जैसे किसी के घर में यदि किसी का माल चोरी हो गया तो उसे चाहिए कि सरसों के तेल का चिराग आपको रात भर लगा कर रखना है। सरसों के तेल का चिराग, उसके ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है। उस प्लेट के अंदर चिराग की जो लौ जाएगी वो जमा होगी। उस जमा हुए चिराग की प्लेट के अंदर जो कालक होगी उस कालक को सामने वाले बच्चे के हाथ में लगाना है। या फिर एक तवा होगा लोहे का जिस पर कभी रोटी नहीं पकी होगी उसको आपको काला करना है, याद रखिएगा। और चिराग भी आपको नया लेना है, मिट्टी का, और सरसों का तेल डालकर आपको जलाना है। थोड़े सरसों के तेल में उसको तेल को या जो कालिक निकालोगे ना आप, चाहे चिराग की कालिक लोगे या फिर आप तवे की, तो उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर किसी भी नाबालिग लड़का या लड़की के हथेली में आपको दोनों हाथों पर उसको मल देना है और दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है जैसे हम हथेली में जैसे किसी को पानी कैसे पिलाते हैं उस तरह से करना है। इसके बाद 7 दाने या 9 दाने आपको उड़द के या जौ के आपको लेना है। ध्यान रखिए इनमें से हर एक दाने के ऊपर आपको ये दुआ को पढ़कर फूंकना है और उस दाने को लड़के या लड़की के हथेली पर मारते जाना है। अल्लाह ने चाहा तो लड़के या लड़के की हथेली पर आपको चोर की तस्वीर दिखाई देगी, या वो आमिल को दिखेगी या फिर वो बच्चे को दिखाई देगी। तो जो दुआ है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़िएगा। पहले दरूद शरीफ शुरू करने से पहले 11 मरतबे जरूर पढ़िए और आखिर में भी दरूद शरीफ 11 मरतबे पढ़िए, फिर दुआ को शुरू करिए। दुआ है अजमतु अलैकुम फतहुन फतहुन, जेतुका जेतुका जेतुका, शफियन शफियन शफियन, अतिशन अतिशन अतिशन, सुरुरन सुरुरन सुरुरन, कुदुरन कुदुरन कुदुरन, सहलन सहलन सहलन, नैलन नैलन नैलन, अहजरु मिन जानिबिल मशरिकी वल मगरिबी बिहक्की सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ये दुआ आपको पढ़नी है, जो दुआ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो दुआ आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको या उड़द के या जौ के दाने आपको पढ़कर माने, साफ सुथरे साफ 7 या 9 अपने हाथ में पहले ले लिए। लेकिन जो भी ये अमल को करेगा वो पहले पाक साफ रहेगा, नहा धोकर ही निकलेगा तभी ये अमल को करेगा। और ये अमल केवल और केवल मगरिब के वक्त किया जाए। अगर आप चाहें तो कम रोशनी में भी कर सकते हैं, दिया जला करके भी कर सकते हैं तो भी ये अमल काम करेगा, या फिर आप अंधेरे कमरे में बैठ के करें, या फिर आप जो भी आपको आपके हिसाब से रोशनी वहां पर होनी चाहिए।
तो आप ये अमल करो इंशाल्लाह, या तो बच्चे के हाथ में या तो फिर करने वाले आमिल के हाथ में, इसे कोई भी आमिल कर सकता है। एक बार नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश करिए, लेकिन केवल जुमेरात और पीर के दिन ही यह चलता है, बाकी नहीं चलेगा। चलाने का वक्त इसको शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे के बीच, यानी कि मगरिब की नमाज से लेकर ईशा की नमाज के पहले तक ही आपको यह अमल काम करेगा, उसके बाद यह अमल काम नहीं करेगा। एक बार नहीं, दोबारा ट्राई करिए, तीसरी बार चौथी बार ऐसा करते रहे, इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको ये अमल कामयाब जरूर होगा और आप इसके आमिल बन जाओगे। लेकिन जब भी अमल आपका कामयाब हो जाएगा तो आप किसी भी 5 फकीर को खाना जरूर खिलाए, दरगाह पर जाकर चादर जरूर चढ़ाए, अगरबत्ती जलाए, अतर डाले और वहां दुआ करिए कि ये मेरा अमल जिंदगी भर कामयाब है। लेकिन हर साल आपको इस अमल को पढ़ते रहना पड़ेगा, और जब भी अमल आपका ये सिद्ध हो जाए तो इस अमल को आपको एक दिन में 7 मरतबे रोजाना पढ़ना है। अमल करने के लिए किसी भी धर्म का व्यक्ति इस अमल को कर सकता है, लेकिन याद रखिए अमल करते वक्त वो पाक साफ रहे, यानी पेशाब तक करने न जाए, अगर जाए तो पेशाब करने के बाद पानी जरूर लेकर धोए, ठीक है। इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे रहस्यमय अमलियात टोने टोट के साधनाएं वजीफे विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग में आप लोग के सामने लाते रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज भाग 2 को खरीदना न भूले, और मेरी वेबसाइट www.babarizwankhan.com पर जरूर जाए, कुछ शुद्ध सामग्री प्रोडक्ट खरीदे, किसी गरीब अफाइज की मदद हो जाएगी, सारा एंटी के फाउंडेशन की। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।